अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है रिगार्डिंग हमारे सूबाई मुलाजमीन के हवाले से, जिसमें पंजाब, बलोचिस्तान और केपी के बिलखसूस और वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन टाइम स्केल के हवाले से है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले पंजाब के हवाले से। आपको पता है कि 15 मार्च को एक हमने एहतजाज किया, उसमें बजाते खुद शरीक भी था। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ऑफिशियली जिस तरह से वफाक के अंदर ऐलान किया था, इस मैसेज को शेयर कर दे, तमाम मुलाजमीन तक पहुंचना चाहिए। ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की। अब बहुत से साथी हमारे कुछ जल्दबाज हैं, कुछ तो चाह रहे थे कि 21 तारीख को जो है कैबिनेट की मीटिंग के अंदर आ जाए और दीगर मामलात। उसमें बड़ा वाजे बताता चलूं कि हर चीज के ऊपर एक वर्किंग होती है, ये कंप्लीट वर्किंग के बाद जो है कैबिनेट के पास पहुंचेगा। सीएम के पास ये समरी गई थी और आज की अथेंटिक मैं बता रहा हूं। बहुत से हमारे साथियों ने मुबारकबादें भी वसूल कर ली कि शायद चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको अप्रूव कर दिया है और फॉर्मली जो है ये नोटिफिकेशन की तरफ जाएगा। केपीके की जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट की कोई कमेटी होती है, मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता, जो साथी इसके मुतलका है, रिलेटेड है, वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं। जस्ट 10-15 मिनट पहले मुझे इंफॉर्मेशन मिली है अथेंटिक, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये कैबिनेट की जो सब कमेटी है उसके पास जाएगा और वो अपने प्रपोजल्स आगे भेजेंगी। आल दो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर एग्री कर चुके हैं और वो अपनी रिकमेंडेशन के बाद जो है कैबिनेट के पास वो जाएगा कैबिनेट के एजेंडे के ऊपर। इट विल टेक टाइम, हर चीज पे टाइम लगता है। आपको पता होगा कि हमारा पिछले साल वफाक की बात करें, भरपूर धरना, आंसू गैस, शेलिंग के बाद, और हमारी कब से वर्किंग इसके ऊपर चल रही थी, मुजाकरात चल रहे थे, तो 10 फरवरी के बाद 23 दिन लगे थे वफाक का नोटिफिकेशन होने में। इस दफा भी आपको बताता चलूं कि हमारा 14 दिसंबर को, मैं बड़ा क्लियर कट बता रहा हूं, 14 दिसंबर को फाइनेंस मिनिस्टर ने हमसे बात कर ली थी, उसके ऊपर वर्किंग हो रही थी। आल्दो के फाइनल स्टेजेस पे अप्रूवल के हवाले से मामलात थे, जिस हवाले से हम प्रोटेस्ट की तरफ गए, और 10 फरवरी के बाद फिर भी 13 दिन लगे थे उस पर। इट विल टेक टाइम, हर चीज का टाइम लगता है, तसल्ली रखिए। और मुबारकबादें जो हैं, कुछ साथियों ने लेटर्स भी लिखे, कुछ ने मुबारकबादें दे भी दी और वसूल भी कर ली, कुछ ने यह भी लेटर लिखे कि अगर आपने नहीं किया तो हम एहतजाज का हक रखने का ये करते हैं। गवर्नमेंट एक फैसला कर चुकी है, उन्होंने ऐलान कर दिया, एक प्रोसेस है, उनको करने दिया जाए। एक बेचैनी, वो लोग भी इसके अंदर क्रेडिट ले रहे हैं जो इसको मानते नहीं, क्रेडिट लें, आप बिल्कुल लें, आपका हक है, बट लेट द थिंग्स कंक्लूड, फाइनल होने दें, उसके बाद किसी अथेंटिक चीज पे जाएं।